डिफरेंस नहीं है, जस्ट इतना डिफरेंस है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड देना है तो आपको स्क्रीन दी जाएगी, मतलब आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और आपने सारी टाइपिंग उसी के ऊपर करनी है, मतलब पूरे टाइपिंग करनी है, ठीक है, और उसी स्क्रीन को यूज करते हुए आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है कंप्यूटर बेस्ड। पेपर बेस्ड पे ये होगा कि वो आपको पेपर दिया जाएगा, आपने पेपर सॉल्व करके आंसर शीट के ऊपर आंसर पुट करना है। आप मुझे बताएं ना कि मटेरियल में क्या डिफरेंस होगा, कि भी आपको कुछ नहीं आता तो आप जाके एक्सपीरियंस करके देख लें। मैम मटेरियल पे तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप कह रही हैं क्वेश्चन तो वही फोर मॉड्यूल्स के बारे में ही होंगे, बट उनका ये कहना था कि कुछ इजी पूछा जाता है जो आपको जल्दी समझ आ जाता है। मैं खुद उस टाइम हैरान थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने टेस्ट लेना आपको चेक करना है कि आपको क्या कुछ आता है, तो वो किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये बातें हैं, मैं नहीं मानती इस चीज को, ये पॉसिबल ही नहीं है। पेपर पैटर्न सब कुछ सेम बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कि दो फ्रेंचाइज है ना, एक IDPAU और दूसरी है ब्रिटिश काउंसिल। तो लोग ये कहने वाले ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल से दें वो ज्यादा इजी देते हैं, कोई कहते हैं IDP से दें वो ज्यादा नंबर देते हैं और ज्यादा इजी देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही है, मतलब ये सिर्फ बातें हैं और मैंने आपको वेबसाइट कुछ होता नहीं है। जी जी, आप रिपीट करें, आप क्या बोली थी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आई थिंक वो स्टूडेंट जो है IVT टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट जो होता है जो घर बैठे करते हैं, शायद वो उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता होगा शायद, जो घर पे बैठे दिया जाता है। जी जी, आपको किसने कहा है कि अगर आप इंटरनेट बेस्ड टेस्ट देंगे तो आप घर पे बैठ के देंगे? ये आइट्स में नहीं है, इसकी एक और है डिलिंगो और पता नहीं PTE और इस तरह के और टेस्ट चलते हैं जो इससे थोड़ा इजी कंसीडर किए जाते हैं। घर पे बैठ के आइट्स का कोई टेस्ट भी आपने घर पे बैठ के नहीं देना, ये गलत बात है। और आप MA ही, मैंने कहा था आप सोशल मीडिया और इधर उधर चीजें देखते सुनते रहेंगे ना, तो आप इसी चक्रों में कंफ्यूज रहेंगे हम मेहनत करें या ना करें। एट द एंड आपको हर जगह का एक्सपीरियंस करने के बाद आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और ये तैयार ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस चीज की समझ में नहीं आती कि पेपर बेस्ड टेस्ट कैसे, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड आपको किसने एक तो कहा है कि घर पे बैठ के होता है और दूसरा ये है कि ईजी होता है। और आपके पेपर में क्या आएगा ये पहले से प्रेडिक्शन की हुई चीजें पड़ी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे के पेपर में क्या आएगा ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। अगर ऐसे ही होता आपको इस बात का पता, लोग 10-10 दफा ये टेस्ट देते हैं, 12 दफा ये वो लोग ये टेस्ट देते हैं। अगर ये डिफरेंस होता कि भी आप पेपर बेस्ड से कंप्यूटर बेस्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए और कंप्यूटर बेस्ड घर में बैठ के दे दे, तो जो लोग 10 दफा देते हैं, मुझे आप एक बात बताएं ना, वो लोग क्यों 45,000 एक दफा टेस्ट देने की फीस देते हैं? वो भी तो एक दफा पेपर देके दूसरी दफा कंप्यूटर बेस्ड देके घर में नहीं होता कंप्यूटर बेस्ड, एक ये गलत बात है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड ही देना है वो भी आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा देने के लिए, और आपका इवन के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है ना उनकी इंटरव्यू होता है, ये तो 1-to-1 होता है ना दो लोगों के बीच, और जो आप कंप्यूटर बेस्ड देते हो वो भी आपका उस पे होता है, जूम पे होगा या उनकी जो भी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पे आपको फोन के जरिए वो दिया जाता है, और वो भी उनके ऑफिस में होता है। कोई भी चीज आपके घर में बैठ के नहीं होगी जिसे आप ये समझे कि ये चीज इजी है हम इसको ऐसे कर लेंगे। मैं नहीं समझती ऐसा कुछ है, जितने एक्सपर्ट हैं आप उन सबसे पूछने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने लोगों ने टेस्ट दिए, इतनी दफा दी है और हर बंदे ने तैयारी करके दी है। हो सकता है जिनके अच्छे आए हो, क्या पता उनके स्क्रीन के साथ मतलब हो ना टाइम स्पेंड करते हो वो लोग, उनकी टाइपिंग अच्छी हो, उनकी इंग्लिश अच्छी, मतलब नहीं है कि भी आप स्क्रीन पे टेस्ट दोगे तो फिर मैं नहीं समझती। बाकी मुझे कंफर्म पता है, बाकी ये है कि हर बंदा कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भी आप टेस्ट ना दें आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आप ना दें आप देख लें फिर आपका क्या बनता है। अच्छा, जो मैंने आपको वेबसाइट एक बताई थी IoT, वहां पे ऑनलाइन टेस्ट पड़े हुए हैं, आप उनको जाके रीडिंग पढ़ के देखे ना। यहाँ पे एक स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि हमने ना बुक्स वाले करने हैं क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट पड़े हुए हैं ना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब आप एक मुझे बात बताएं, एक चीज का पैटर्न है, मैं अभी आपको वो वेबसाइट ओपन करके बता सकती हूँ, और मैंने यहाँ पे बताया भी था और कल मैंने एक टेस्ट शेयर भी किया था IoT पे, वहां पे उनके सारे पैटर्न पड़े हुए हैं, उसी पैटर्न को लेके आपको पूरा टेस्ट आएगा और आपको चलना पड़ेगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है
ये वाला कि आप ये समझें कि आप कंप्यूटर बेस्ड देंगे तो आप घर में बैठ के देंगे इजी होगा और पेपर बेस्ड मुश्किल होगा। प्लीज ऐसी बातें ना सुने। जो प्रिडिक्शन पड़ी हुई है कि ये कर लें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा, इस मंथ में ये आएगा, ये चीज इजी है, ये डिफिकल्ट है, अपनी इंग्लिश के लेवल को अप करें जितना आप हो सके ना, आप उसकी ना प्रैक्टिस करें। बनिस्बत ये कि आप 400-500 लोगों को सुने, फिर आप उसकी टेंशन लें, फिर आप टेस्ट देने जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा आपके साथ क्या हो रहा है। हर बंदे के पास ऑप्शन होता है, वो बेवकूफ नहीं है जो 10-12 दफा लोग टेस्ट देते हैं। आप जाके सर्च करें ना, ऐसी ऐसी एग्जांपल पड़ी हुई है लोगों ने कितनी दफा ये टेस्ट दिया, आप जाके देखें। तो क्या उनको ये सारे रास्ते और चीजें नहीं पता होंगी या उन्होंने ये ट्राई नहीं किया होगा? हर बंदे ने अपना लेवल इंक्रीज किया है, इसके लिए हर बंदे ने प्रैक्टिस किया तो उनका लेवल अप हुआ है, तो वो आगे गए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता ही सकती हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्जी। अब हम लोग करनी थी आज लिसनिंग, तो मैं इसलिए पूछ रही थी पेपर बेस्ड किसने देना है और कंप्यूटर बेस्ड किसने देना है, वो सबकी अपनी मर्जी है। हम लोग प्रैक्टिस जहां से ज्यादा मेजोरिटी बोलेगी कि करना है तो हम पेपर बेस्ड भी कर लेंगे, मेरे पास दोनों मटेरियल हैं, या हम लोग ऑनलाइन भी कर लेंगे। पेपर बेस्ड मैं इसलिए समझती हूँ करना चाहिए क्योंकि पेपर बेस्ड देना है तो फिर पेपर बेस्ड मटेरियल ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड देना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर पे करनी चाहिए, ना टाइम स्पेंड करें, और टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हो, उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसका पैटर्न अलग से होता है टेक्नोलॉजी को। और अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको आपके सामने पेपर रख के फिर उस पेपर को सॉल्व करना होगा। अब हम लोगों ने आज लिसनिंग करनी थी, ये बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं, वरना तो ठीक है, मुझे जो ठीक लगेगा हम उसी चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। अब इसका है इंट्रोडक्शन का आता है पार्ट वन इंग्लिश में, ठीक है। इसमें पूरा पेपर पड़ा था और ये ना बहुत आसान है, ये मुझे सबसे इजी लगा है क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर ये चीज यूज करते हैं। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि उसको नहीं पता इंटरनेट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, या इससे रिलेटेड उसका पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है जब उसने ये चीज यूज नहीं की। अब बात ये होती है कि चीजें हमारे माइंड में होती है, समटाइम ये होता है कि जब हम लोग इसको मतलब सोचते हैं ना तो हम इंग्लिश में सोच लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हम बोल क्यों नहीं पाए। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि हम ठीक है, हम इंग्लिश आती है, हमने इंग्लिश पढ़ी है, हमारी एजुकेशन इंग्लिश में है, हमें समझ आ जाती है, फिर हमसे बोली क्यों नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखिए कुछ लोग की रिटन इंग्लिश में वो ठीक मतलब लिख लेते हैं, रिटन इंग्लिश हमें आंसर कर देते हैं, बट स्पीकिंग में ना वो लोग बोल नहीं सकते। वो ये समझते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे या हमसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं है। इसका सिर्फ इतना इश्यू है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस के लिए ये है कि पहले तो आपको बोलना पड़ेगा, आप गलत बोलो, और दूसरा बात है कोई आपको सुनने वाला हो, आप गलत भी बोल रहे हो तो आपको बोलने का मौका दिया जाए, बिकॉज जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तभी आपकी गलती ठीक हो सकती है और आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं। जब आप पहले स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो इसका मतलब है आप बोल नहीं पाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन विलिंग है सबसे पहले बोलने के लिए? आज हम लोगों ने सारा नहीं करना, पास्ट मतलब पार्ट वन नहीं करना है इसका, जस्ट ये मतलब स्टार्ट ही लेना है ना कि इसको कैसे करते हैं और इसका आंसर कैसे करते हैं। फिर जिसका जिसको नहीं आएगी समझ, जिसका आंसर नहीं आएगा मैं उसको गाइड कर दूंगी, लेकिन ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता आप लोगों को प्रैक्टिस करने का और बोलने का, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं सुनता। हाँ जी, कोई है विलिंग? यस मैम, आई विल टेक इनिशिएटिव। जर्मीन आप? जी मैम, मैं क्यू कार्ड के क्वेश्चंस करूंगी आपके साथ। नहीं, क्यू कार्ड क्यों, पार्ट वन करना है ना, हमने क्यू कार्ड नहीं करना आज, जस्ट पार्ट वन करके देखना है ताकि जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी है वो भी, क्योंकि ये फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होता है ना आपकी सेल्फ बेस पे, तो ये बोलना इजी है। तो जब फर्स्ट हो जाते हैं ना तो फिर जिन लोगों को चलो थोड़ी टेंशन है या जो बोल नहीं सकते वो भी बोल लेंगे, तो फिर हम ना क्यू कार्ड पे बाद में चलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है क्यू कार्ड आपको प्रिपेयर करके ना आपको एक स्टोरी बनानी होती है और आपको 2 मिनट उस पर बोलना होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर आपको बोलना भी पास्ट पे होता है। तो पहले हम लोग ना क्योंकि स्टार्ट लेना है तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे। तो अभी किसने कहा था कि मैंने बोलना है? मैं मोहम्मद सलीम। मैम हम कर लेते हैं ट्राई ना, आप करें स्टार्ट। ये मोहम्मद समी, ठीक है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके ओके मोहम्मद समी, ओके नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर पार्ट वन।
in part one, there is the question about introduction question. Okay, so first question is, what is your full name? My full name is Mohammad Sami, with the nickname Sami. Usually they call my family members and my fellows call me with my surname Sami. Okay, may I see your ID? Yeah, sure, here's it. Okay, where are you from? Basically, I'm from Multan, near the main area of Multan, Kent. It's a Shah Sultan colony, here I live. Okay, you are basically from Multan, and you can add this, Multan is one of the old famous city of Pakistan. One of the oldest It is also called as city of saints. Multan is famous for saints. You can also add this. Okay. Do you work or student? Do you work or study? I study. I'm a student and I'm pursuing bachelor's in information technology from MNS University of Agriculture, Multan. And currently I'm enrolled in fourth semester. Okay. How important it is the internet to you? Being a website developer, I think my whole career depends on the internet only, because I have to, I need a 24/7 internet connection in order to build and utilize and publish my website, web contents and web pages and stuff like that. So as an IT guy, my whole career depends on internet. Okay. Do you use the internet a lot for work or in your spare time? I'm a student, so if I notice, I usually use internet most in my spare time, because for a student, we have only spent 1 or 2 hours in the work. We have little responsibilities, I've created a little assignments and presentation and nothing else. So whenever I will enter, inshallah, in my practical life, I will use mostly in work. But nowadays, I use the spare time. Okay. Do you think that you use the internet too much? Again, it depends. As a student, I think that I use the internet not too much, but more than average, more than I have to use being a student. Because students have a lot of spare time, and they usually spare, nowadays youth spend most of the time in social media instead of playing outdoor games. So I think so that I use internet most of the time. Okay. Do you think the internet will change lives in the future? Yes, I'm sure about that, because being a web developer, I think that internet will change, and the tech communities and different these things is revolutionizing the world. For example, in the COVID-19, we have been headed towards the online education system, which was not, people were not much aware in our country, but it's leading to a completely new global village world, you can say. Okay. Are there some negative things about the internet? Yes, I think there are many negative things. Along with the pros, there are also cons of internet, using internet. If we notice in our youth, we use social media a lot of there, and we can say we spend our time most of the time there, so we waste our time. And also, if we see the news and stuff like that on different platforms, we can say rumors that may lead to different consequences between the seniors and the juniors, that is creating the gap between the young and old generation, because we are not interacting with our community and our family. And we also we use most of the time WhatsApp and different this kind of communicating platform instead of face-to-face, that lacks face-to-face communication skills. So these are the two negative points, I think. No, you can say that there are some negative things about the internet. You also say that internet itself not a bad invention, okay, and you can use it for many positive purpose, but it's depend on the individual, he or she, how they can take it to use it in a productive way,
for their study purpose, for their learning, or may they use it for their wrong purpose. So it depends on the individual. Exactly, depends on how he utilizes it. Itself is not a negative or bad thing. Okay. About the truth or the not, this is all about you are speaking English with correct fluency and correct grammar. So this is okay from your hand. Thank you. Okay, anyone else? Yes, ma'am. Okay, what is your full name? Sorry, ma'am, can you repeat? What is your full name? My full name is Zulfiqar Ali. Actually, my family mostly call me Ali. And my surname is Zulfiqar. Okay, your full name is Iftikhar Ali. Zulfiqar Ali. Okay, my full name is Zulfiqar Ali. But you may call me by my second name, or my family called me by my second name. It's Ali. Okay, yes. You can say that like this. Okay. May I see your ID? Yeah, sure. You can see my ID. Okay, here it is. Yeah, sure. Here it is. I think it is on my answer sheet. No, awesome. No. You have your ID from which you registered your test. So you may take it, your ID, passport or ID card with you. Okay. Bring with you, and the examiner see your ID before they start your interview. Okay, ma'am. Yes, so you have to give your ID card, your passport to the examiner in your official test. Okay. Where are you from? Actually, I am from Skardu, which is the most beautiful, one of the most beautiful place of Pakistan as well as in the world. I think it's enough. Sorry, ma'am, your voice is not audible for me. जी ज़ुल्फ़िकार अली, आप कौन सी क्वेश्चन पर थी? मैं आई थिंक फ्रॉम वेयर वाले क्वेश्चन पे था, जिसमें कहाँ से बिलोंग करते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको देख नहीं रहे मुझे। जी मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन, और आप मुझे फिर आंसर करें, ठीक है? ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? बेसिकली आई एम फ्रॉम स्कर्दू, which is one of the most beautiful place of our country, Pakistan. Okay. Do you work or study? I am remotely working as a data scientist in the US. I have already graduated since 2020. Are you working as a data scientist? Yeah, I am working as a data scientist. That's great. Okay, next. How important is the internet to you? As in current situation or current era, internet has a very huge role on our life as well as on our society. Without internet, I think we can't live in this. Right.
मैम हो तो जानी चाहिए थी। नहीं एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट का इशू था तो मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया था, तो फिर अभी मैंने उसको रीस्टार्ट किया। आप देखिए अब है हाँ जी ठीक है जी मैम, फिर आप पूछिए इनसे। तो ये ये कहाँ हम पे थे? फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये दे चुके हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंटरनेट टू यू? नहीं इज द इंटरनेट टू यू? नो, डू जी यू वर्क आर स्टडी? रिपीट योर आंसर। यस मैम, आई एम करंटली आई एम वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट रिमोटली। आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड सिंस 2020। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंटरनेट टू यू? इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इंटरनेट इज वेरी एसेंशियल रोल इन आवर सोसाइटी एज वेल एज ऑल्सो इन माई लाइफ, बिकॉज विदाउट इंटरनेट आई थिंक वी कॉन्ट लिव विदाउट इंटरनेट। देयर फॉर इंटरनेट हैज वेरी क्रूशल और से वेरी एसेंशियल रोल इन माई लाइफ। ओके, डू यू यूज द इंटरनेट अलॉट फॉर वर्क और इन योर स्पेयर टाइम? As a data scientist, during my as a data scientist, I have faced a lot of bugs or error during my working time. Therefore, mostly I am using internet for my work for helping some stuff from internet. Therefore, I can say that internet is a, I am using internet mostly for my working purpose. Okay. Do you think that you use the internet too much? Yeah, definitely. It is a very interesting question because you know in our current society your people mostly engage into internet. Therefore, I am also one of the one part of this society. Therefore, I am definitely use much time I spend my much time on internet. I have Okay. spent my more time on internet. Okay. Do you think the internet will change lives in the future? Yes, definitely. Internet already changed our society and our whole world. And in the future, definitely more interesting technologies and also internet will change our future. I think so. Are there some negative things about the internet? This is also a very interesting question. Definitely, there is some pros and cons of internet. As we mentioned, the some benefits or importance of internet in our life, but it also have some negative impacts in our social life as well as other aspects of life in our society. For example, the false news on the social media is or any other websites make very hurdles for our society. Therefore, I think that internet has some negative things in our society or अच्छा, पहले तो आपने जो दो बातें रिपीट की हैं ना, इंटरेस्टिंग वाली, एक आपने पहले क्वेश्चन में रिपीट किया और फिर आपने दोबारा उस ना स्टेटमेंट को रिपीट किया है। पहले तो ये चीज है कि जब आप एक दफा इंटरेस्टिंग बोल देना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो दूसरी दफा जब आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपने कहना है, ओ वाओ, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, आई लव टू आंसर दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ओके दैट मैम, क्वेश्चन। ओके, एक थैंक चीज यू। ये कि रेपिटेशन नहीं करनी, इंटरेस्टिंग। अब आप जैसे पहला वर्ड मिल गया, दूसरा ठीक है, आपने ये बोलना जरूर है, आपने अच्छा किया आपने ये चीज बोली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये ठीक है। लेकिन इसको आपने जब दूसरी दफा आपने इसको यही बोलना है तो इसको आपने रिफ्रेज करना है और कोई और वर्ड और सैनोनिम यूज करके इसको बोलना। एक ये, दूसरा ये है कि आपके पास ना क्या था, आपके पास ना आइडियाज ज्यादा है पर आप, मुझे लगता है प्रैक्टिस की वजह से सही नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपके पास होता है ना, एक बंदे को एक चीज का आइडिया होता है, आपको उसका आइडिया है, जबकि जिसने आपसे पहले स्पीकिंग की है ना उस उसकी इंग्लिश अच्छी है,
मतलब वो इंग्लिश का अच्छा यूज कर सकता है, कर लेता है, वो उसके सेंटेंस अच्छे थे, उसकी ग्रिप अच्छी है बोलने में, ठीक है, तो उसने लिमिटेड आइडियाज थे, लेकिन आपके पास वास्ट आइडियाज हैं, पर इश्यू ये है कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे. और दूसरा, इंटरेस्टिंग वाली बात रिपीट नहीं करनी, आपने इंटरेस्टिंग की जगह पे वाओ बोल सकते हैं, आई लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी लाइक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव टू आंसर, और इस तरह के चार पांच सेंटेंस डिफरेंट वे में आपने इसको बोलने हैं, बनिस्बत ये कि आप एक ही बात को दूसरी दफा रिपीट करें. ओके मैम, थैंक्स. ओके ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे बोलने से क्या होगा, आप ये देखें कि दो लोगों के आइडियाज आपके क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट थे. अब देखें, आप क्यू कार्ड में ना, लोगों को बहुत इश्यू होता है वो राइटिंग में, ये कहते हैं कि राइटिंग में और क्यू कार्ड में ना, पार्ट टू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का इशू ये होता है, हम लोग ना आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते. आप ये देखें कि यहाँ पे ठीक है, बंदे की इंग्लिश का लेवल जो भी है, अगर आप सही तरह से नहीं भी बोल सकते, आप मिस्टेक करते हो, लेकिन आपका यहाँ पे बोलने से फायदा क्या होगा, जब चार पांच लोग एक ही चीज पे बोलेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरह से आइडियाज जनरेट करके एक ही चीज का आंसर डिफरेंट वे में दे सकते हैं. आप देखें, इंटरनेट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, या जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए, उन्होंने जितनी भी वेबसाइट यूज की है ना, उस बंदे, हर बंदे का उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट बोलेगा. तो जिन लोगों को की इंग्लिश नहीं अच्छी, या जो लोग इंग्लिश में आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज लेके वहां से पिक करके, या जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है उसको कॉपी करके उसकी तरह से भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग करते हैं लिसनिंग का पार्ट वन. यस मैम, अब मेरी बारी है जी, अब मैंने करने हैं. हाँ जी, ठीक है, ओके. व्हाट इज योर फुल नेम? माय फुल नेम इज रमीना अनम, बट यू कैन कॉल मी अनम बिकॉज दिस इज माय निकनेम एंड यूजुअली यूज इन माय होम. ओके, मे आई सी योर आईडी? Yeah, sure, no problem. Okay, where are you from? I'm from Multan, especially Garden Town. Okay, do you work or study? I'm working from last 3 years as a school teacher in the Britain International School System. Okay, how important is the internet to you? Yes, it is more important for me to make my day active. By this internet connection, I will talk with my family member who is not near to me. Okay. Do you use the internet a lot for work or in your spare time? I use the internet a lot for work or in our spare time. As usual, for study purpose, I have to use it for online test practice. Plus getting more information about research articles. Do you think that you use the internet too much? I think not most of the time, but during study and research work, mostly I use internet for searching fruitful articles for research work. Okay, do you think the internet will change lives in the future? Obviously, by the passage of time, use of internet has been increased, like in online marketing by bloggers and for virtual studies. I think it is useful. Okay, are there some negative things about the internet? Basically, negative things on internet attract the young generation, and nowadays mostly younger students wasting their time in online games and movies, etc. Okay. मैम, इसमें correction करें आप, कहाँ आपको लगा कि कुछ ये है कि आपको क्या कहते हैं कि ज्यादा बोलना चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी करते रहना है, खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी. वो चीजें जो आप बोल सकती हैं और आपके माइंड में आप नहीं बोल रही, वो ये होगा कि प्रैक्टिस से ना आपकी ठीक हो जाएंगी. आइडियाज ठीक है, बस ये है कि आपने करेक्ट ग्रामर यूज करनी है, मजीद और मजीद इसको ना सेंटेंस एक्यूरेट स्ट्रक्चर बना के ना उसको प्रेजेंट करना है बस. ठीक है, तो जब आप ये फर्स्ट टाइम है ना, तो जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करती और बोलती जाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंट जैसे खुद ब खुद ठीक हो जाता जाएगा, तो आपके दिमाग के अंदर जो इंग्लिश रह गई है वो खुद ब खुद आ जाएगी.
ठीक है ये मैम, अभी आपने जब इनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया ना, हाँ तो जी तभी मैंने इन क्वेश्चंस को सामने रख के ना अपने माइंड में जो बातें आती है ना मैंने उनकी स्टेटमेंट बना ली। तो अभी अभी यानी कि मैंने इसे इंटरनेट से सर्च नहीं किया, सारा दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पे सर्च करके कुछ नहीं, आप आर्टिकल पहले सर्च। प्रैक्टिस के लिए ना इंटरनेट से डेटा सर्च कर सकती हैं कि आपने किस चीज का आंसर किस तरह से करना है। आप वीडियो सोशल मीडिया पे भी इस पे देख सकते हैं कि जिनके ज्यादा 7, 8, 9 बैंड आते हैं उनकी उनकी इंग्लिश क्या लेवल है, वो किस कॉन्फिडेंट के साथ किस फ्लुएंसी के साथ कितनी एक्यूरेट ग्रामर बोलते हैं, वो आप वीडियोज लाजमी देखें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपने किस तरह से बोलना है। आप शुरू में जब प्रैक्टिस करें तो आपको लाजमी वीडियोज देखनी चाहिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप जाएं, आप वहां पे लिखें कि जिन लोगों के 7, 8 और 9 बैंड्स हैं तो उनका क्या लेवल है, तो वहां से आप उनके आइडियाज पिक करें और देखें कि वो कैसे बोलते हैं। जब बार बार आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप उस लेवल का बोलना शुरू करेंगे तो आपका वो लेवल खुद ही बन जाएगा। सही। यहाँ बस मैंने आज ये जज करना था कि मैं इन सेंटेंस को बना सकती हूँ खुद से, मतलब अपने आइडियाज को बता सकती हूँ कि नहीं, तो नहीं, ये इसलिए फर्स्ट मैंने टाइम पता इसे। नहीं जी चलता, बस आप प्रैक्टिस करती रहें, बस ठीक है। जी ठीक है। हाँ सही। और इसके अलावा कोई और नहीं, तो फिर हम लोग लिसनिंग का आज फर्स्ट सेशन पूरा करना था, 1 to 10 क्वेश्चन जो फर्स्ट सेशन में होते हैं ना, हम एक दफा वो कर अस्सलाम लें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बात मैम, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन अभी कर सकते हैं। नहीं, आप करें ट्राई। ओके, व्हाट इज योर फुल नेम? माय नेम इज अब्दुल हक एंड माय फैमिली रियली कॉल मी ओनली अब्दुल। Your voice is not clear. Please speak loud. What is your full name? मैं आवाज क्लियर तो आ रहा हूँ? आवाज क्लियर है लेकिन थोड़ा ऊंचा बोलो। माय नेम इज माय फुल नेम इज अब्दुल हक एंड माय फैमिली रियली कॉल मी अब्दुल। May I see your ID? Yes, of course. No problem. You can see. Okay, yes, here it is. Yeah. Yes, here it is. Thanks, Helen. No, repeat it. Yes, here it is. Okay, where are Well, you from? I am from a village of आई थिंक मैम ये आप जो कह रहे हैं आई थिंक दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, आई थिंक आप अभी जो बता रहे थे ये मतलब पहले जो क्वेश्चन है मैं आई सी योर आईडी, इसका आंसर आप दे रहे हैं आई थिंक। हाँ जी, मैं इसका आंसर दे रही हूँ और मैं उनको ये बोल रही हूँ कि इसको रिपीट करें आप, क्योंकि आपके हाथ में आपकी आईडी होगी, पासपोर्ट या आईडी कार्ड जिससे आपने अपने टेस्ट की ऑफिशियल की रजिस्ट्रेशन कराई होगी, तो एग्जामिनर बोलेगी मे आई सी योर आईडी, तो आप अपनी आईडी देते हुए उसको बोलेंगे यस हियर इट इज, मतलब आप वो अपनी आईडी कार्ड उसके हाथ में दे रहे हैं एग्जामिनर के, तो आप बोलेंगे यस हियर इट इज कि ये लें आप देख सकती हैं, यस हियर इट इज। तो आप, मैं उनको कह रही थी कि प्लीज इसको ऐसे बोलें जैसे मैं बता रही हूँ, तो खैर कोई इशू नहीं। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गुजरात पाकिस्तान, विच इज ए फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। विच इज फेमस सिटी ऑफ? पाकिस्तान ओके, व्हाई गुजरात इज फेमस? टेल मी वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग फ्रॉम गुजरात। गुजरात गुजरात ओके, गुजरात, व्हाई गुजरात इज फेमस? एनी फेमस सिटी, एनी फेमस थिंग अबाउट गुजरात, हिस्टोरिकल थिंग, एनी थिंग लाइक गुजरात इज फेमस फॉर व्हाट? मैंने कभी एक्चुअली विजिट नहीं किया। आप गुजरात में रहते हैं और आपने कभी गुजरात विजिट नहीं ना किया? मैं विलेज से हूँ, विलेज से हूँ। अच्छा, विलेज से हैं, अच्छा ठीक है। आप इसको विलेज ना बोलें, आप बोलें आई एम लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। यस मैम। ठीक है, ओके। डू यू वर्क आर स्टडी? करंटली आई एम स्टडी इन बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। How important is the internet to you? Internet is very important to me for study. Mostly I am using internet for study, searching data for assignment, presentation, etc.
and also for online classes. Okay. Do you use the internet a lot for work or in your spare time? As far as my concern to internet is, I am using both for study and also in spare time. I watch movies and also use social media. Okay, this please is try a to good speak answer. Loudly. Your voice is not. No, clear. No, no. This is a good answer. Like I can use internet for my study purpose, and after that, in my spare time, I can use this for entertain myself. This is good answer. Okay, his do voice you think is not properly audible. Therefore, here, please. My voice is not speak loudly. He speaks okay, my very voice slowly. Is not clear. No, no, student. Okay. Mr. Hark. Okay, you have to give your answer again. Do you use the internet a lot for work or in your spare time? And please speak loud because your voice is not clear. But your answer is good. So you have to speak loud. Now, nowadays, I am using internet for study and also in spare time, I am watching really watch movies and also use social media for entertainment. Do you think that you use the internet too much? Yes, of course, ma'am. Mostly when I free, I pass my time on social media, YouTube, like YouTube, Facebook, and Instagram. Do you think the internet will change lives in the future? Yes. Yes, this era is going toward online as mostly business are converting their services to online and also selling their products using websites and in COVID-19, most of the business are converted totally to online. Are there some negative things about the internet? It depends on use of internet. It depends on individual how they are using internet. Like some of the people use internet for only entertainment and some for work, and mostly people also use internet for wastage of time. अच्छा अब आपका ये है एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी लेकिन आप ना उसको लव्स को बहुत किसी को बोल रहे हैं किसी को बहुत ज्यादा मुंह में बोल रहे हैं और सही से बोलना नहीं चाह रहे तो आपका ये है कि आपके ना आइडियाज अच्छे हैं तो आप ना बस बोलने की प्रैक्टिस करें अगर आप ये समझ रहे हैं आपसे नहीं होगा आप नहीं बोल सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके ना आइडियाज अच्छे हैं आप उसको बोल सकते हैं अगर आप सही तरह से बोलना चाहें तो मीन्स सही तरह से बोलना चाहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपकी ये करेक्शन ठीक हो सकती है मतलब आपके माइंड में बातें हैं चीजें हैं वही बात है कि हमें नॉलेज भी होती है हमें चीजों का पता भी होता है हम इंग्लिश में सोचते भी हैं कि भाई मैं ऐसे भी बोल सकता था बाद में ऐसे भी बोल सकता था लेकिन हम उसको सही तरह से कन्वे नहीं कर सकते तब तक जब तक हम डेली बेस के ऊपर कन्वर्सेशन नहीं करते इंग्लिश में बोलते नहीं है लोग कहते हैं कि जस्ट सुनते रहें इंग्लिश मूवीज देखते रहें देखें उससे आपकी सुनने की हैबिट अच्छी होगी उसके अगर आपने सब टाइटल साथ कोई इंग्लिश मूवीज देखी है तो उसमें आपके पढ़ने की हैबिट अच्छी हो सकती है या आपके सुनने की हैबिट अच्छी हो सकती है बोलने की आपकी हैबिट तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप वो कन्वर्सेशन करते नहीं हैं खुद सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारी लैंग्वेज उर्दू है हम क्योंकि डेली बेस पे इसको यूज करते हैं तो हम इस पे आप देखें ना हमें इसकी कितनी ग्रीप है अब ये भी एक लैंग्वेज है जो आपने लर्न करनी है और उन्होंने आपका लैंग्वेज टेस्ट लेना है कि इस बंदे का इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने का लेवल क्या है क्या ये क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड करके उसका सही तरह से सही वे में आंसर दे सकता है या नहीं तो इसका इससे अच्छा कोई भी ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं हो सकती कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी के साथ तो उसका फायदा ये होता है कि हो सकता है जब आप ऑफिशियल टेस्ट देने जाएं तो कोई टॉपिक आपको बिल्कुल अनसीन आ जाए आपका आप चले फर्स्ट वाले में तो हो सकता है बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हों कोई ऐसा क्यू कार्ड आ जाए जो बहुत अनसीन हो आपके साथ वो एक्सपीरियंस ना हो अब उसका फायदा क्या होगा जब आप डेली बेसिस के ऊपर एक घंटा किसी के साथ बोलने की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि ऑल्दो आपका टॉपिक इन मतलब
ना आए वैसा जो आपने तैयार ना किया हो, क्योंकि आपकी इंग्लिश बोलने पे ग्रिप अच्छी हो चुकी होगी, तो वो अगर टॉपिक आपका अनसीन भी होगा ना, तो आप उसको इजीली जो है वो अपना कन्वे कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो इसलिए ना आपके लिए बोलना इजी होगा आपके ऑफिशियल टेस्ट में जो चीज मर्जी हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे भी बोलना था। हाँ जी हाँ जी बोलना। ओके, व्हाट इज योर फुल नेम? My full name is Sana Raza and people call me just Sana. Okay, people call me. Okay, may I see your ID? Yeah, sure, you can, definitely. Okay, where are you from? I'm basically from Karachi, which is one of the biggest cities of Pakistan. And it is home to many immigrants. And people also call this city the city of lights. Okay, how important is that? Okay, do you work or study? I have been working since 2021 and I am like in the marketing department right now. So so to answer your question, I am right now working. Okay. How important is the internet to you? Being a writer, I believe that my 9 to 10 hours a day have is always spent on internet, because I have to search about a lot of things. I have to write about research articles. So my day is usually spent on working on internet and writing stuff. Okay. Do you use the internet a lot for your work or in your spare time? I use internet a lot when I'm in my work office, because I have to research about a lot of things. For example, if I'm writing about some affiliate article, then I have to get a lot of information of that article. So to incorporate and indulge that information in my article, I have to gain a lot of information. So for example, if I'm sorry so to sorry I'm sorry as far as spare time is concerned, so my 4 to 5 hours are spent on watching movies or some social media posts. So for me, internet is a thing that takes up a lot of my time. Okay. Do you think that you use the internet too much? Yeah, I do believe that I use internet a lot because I have to do a lot of researching about different topics, and when I'm writing something, then I have to use a lot. And being a writer, I have to go through other writers' content also. So if I'm writing or cranking out a copy for some audience, then I have to use a lot of internet to get a hands-on practice on that. Okay. Do you think the internet will change the lives in the future? Yeah, I do believe that internet will make a huge impact in the life of the people, because as far as because right now we are going to malls and shopping centers to get our stuff from, but e-commerce have become famous in these years. So I do believe that there will be a lot of change in the future. And a lot of things will be converted to internet. Are there some negative things about the internet? Yeah, there are. For example, for underage students and for underage kids, there is a lot of negative things out here on internet. For example, they can watch movies all day, and they can play games instead of playing outdoor games. So I do believe that internet has some negative impacts on those. That's from the Patam. Okay, so your fluency is good. You just have to focus on your structure of the sentence, and you are just thinking how to, what to speak. When you are practice on daily basis, the things will be okay, and things will be okay. Good when you are practicing on daily basis. Your problem is only that you are thinking more, and after that you speak. You think and you speak. You are doing both the things on the same time. All right. Thank you, ma'am. Okay, so now we have time 6:50.
तो अब फिर क्या करना चाहिए, किसी और ने स्पीकिंग करनी है तो कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम ऐसा करेंगे कि हम कल लिसनिंग का पूरा टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना सिर्फ 10 मिनट हैं, तो इस 10 मिनट में तो लिसनिंग का एक पोर्शन भी नहीं होगा, कल की तरह यही होगा, एक दो सवाल होंगे, और ऐसे नहीं करना हम लोगों ने, जारी सी बात है हम लोगों ने फिर करना है तो या तो पूरा सेशन करना है 1 और 2, फर्स्ट 2 सेशन, और हमने 1 by 1 एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि किस तरीके से, मतलब किस तरह से हम उसको क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम मे बी एक दो सेशन करें, मतलब पूरा सेशन करें एक या दो, बनिस्बत ये कि अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हम वो, अगर इसमें से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो या इसका मतलब इस चीजों को डिस्कस करना, अच्छा इसका ये सीन होता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, एग्जामिनर को आपकी इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं है, आप इंटरनेट को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, एग्जामिनर को इस चीज से आप कोई लेना देना नहीं है, आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं बहुत कम यूज करते हैं, आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए कोई चीज यूज करते हैं या नहीं कर रहे, जिस मर्जी चीज के लिए यूज करते हैं वो आपका कंसर्न है, लेकिन जब आपने आंसर करना है ना, जब आपने जिस इतना देखना है कि जो आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, आप बिल्कुल उसमें अटको नहीं, जैसे मतलब आप सोचने लग जाते हो आई एम सॉरी ये हो गया वो हो गया, इस तरह की चीजें नहीं करनी, बस आपका ये है कि जो आपकी ग्रामर है ना वो होनी चाहिए और आपने फ्लुएंसी के साथ बोलते जाना विदाउट एनी एरर इन योर ग्रामर, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप उसको ये बोलो कि भाई हम लोगों ने अच्छे आंसर करने हैं, और आप ये सोचते रहो कि भाई हम लोगों ने सच बोलना है और हमने इसका कैसे अच्छा अच्छा आंसर करना है, ये चीज नहीं है, जस्ट आपने इंग्लिश पे फोकस करना है कि जो सेंटेंस, अच्छा फिर इसके लिए ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करो, रेपिटिशन नहीं करनी वर्ड्स की, ठीक है, मतलब आप इंटरेस्टिंग बोल रहे हो या आई डू या आई डू या आई डू, ये जब आप बार बार बोलोगे ना तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, और उस रिकॉर्डिंग को सुन के बाद में वो ना उनके जो 4 क्राइटेरिया है ना, आपकी ग्रामर चेक करते हैं, फ्लुएंसी चेक करते हैं, वर्ड्स चेक करते हैं, और जो उनका मतलब क्राइटेरिया उसकी बेस पे वो आपको मार्क्स देते हैं, और वो रिकॉर्डिंग आपकी ऑफिशियल, आप ऑस्ट्रेलिया से दो या ब्रिटिश काउंसिल से, वो ऑफिशियल साइट पे वो वेबसाइट भेजी जाती है, और आपको उस बेस पे जज किया जाता है कि इस बंदे की जो इंग्लिश के लेवल मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना, कि इसने क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड करके आंसर किया है, तो ये चीज चेक की जाती है कि आपकी ग्रामर लेवल क्या है, आप बिल्कुल सही तरह से और इजी बोलें, आप डिफिकल्ट, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करें, नहीं, आप इजी बोलें और एक्यूरेट बोलें और फुल कॉन्फिडेंट के साथ बस बोलते जाएं। जो उसने आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में, 2 से, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसके अंदर आपने 2 से 3 सेंटेंस में उसको आंसर कर देना है, फिर इसके बाद मैं सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा मतलब चलते हैं, मैं बता देती हूँ। अच्छा इस पे ना पहले भी हमने बात की थी, अब जो सेकंड वाला क्यू कार्ड है ना हम इस पे कल करेंगे, लेकिन कल हम इस पे तब प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा टाइम बच जाएगा, हम पहले जो 30-40 मिनट है ना उसमें हम लिसनिंग का एक बेशक 1 से 2 सेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने स्पीकिंग पे आना है, और स्पीकिंग में ये है कि हम इसको साथ लेके चलेंगे, मीन्स अगर हम रीडिंग कर रहे हैं उस दिन भी, और अगर हम राइटिंग का टास्क 1 और टास्क 2 प्रैक्टिस करते हैं तो उसको भी इसके साथ शामिल कर लेंगे, और थोड़े टाइम के लिए ना हम इसकी एट द एंड प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि वो क्यू कार्ड में ये पूछ रहा है, टॉक अबाउट द वेबसाइट यू यूज मोस्ट ऑफ्टन। अब एक इशू था, मैं आज किसी के स्पीकिंग की प्रैक्टिस करानी थी, मैं उनके साथ कर रही थी, तो वो लेडी ना यूके में रहती है, तो वो क्या कर रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप वेबसाइट बताएं, तो वो मुझे बता रही थी कि भाई ऐप के बारे में बता रही थी और व्हाट्सएप की बात कर रही थी बार बार। आप लोगों ने क्या करना है, अभी नेट सबके पास है, आपने गूगल सर्च, तो अब आप ये देखें कि कोई बंदा या बंदी एग्जामिनर आपसे कुछ भी, आप एक वेबसाइट के बारे में बात करें और आप उसको पूरा बता के आए हो किसी ऐप के बारे में, ठीक है, आप मेरी बात को गेट कर रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, तो जो आपको क्यू कार्ड दिया जाता है आपने उस पे भी रहना है, मतलब अब उसने बात क्या पूछी हो और आप उसको बात बता के क्या आओ, आप सही बात बता के हो, लेकिन उसको ये तो समझ में आ जाएगी ना कि इस बंदे को ये भी नहीं पता था कि मैंने वेबसाइट की बात की और ये मुझे एप्लीकेशन का बता रहा है कि भाई इंस्टाग्राम क्या होती है, व्हाट्सएप क्या होती है, फेसबुक क्या होती है, तो ये एप्स हैं जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इनको यूज करते हो, वेबसाइट्स वो होती हैं जो आप नेट पे जाके सर्च करते हो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पेज बना हुआ होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग हो ब्रांड्स के पेज पे जाके आप उनको वेबसाइट से सर्च करते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर्स है आप रिसर्च आर्टिकल के लिए वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग करनी, एक बात ये। दूसरी बात ये, आपने ना एक सेंटेंस बोलना होता है वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने जो आपको टॉपिक दिया ना आपने
किससे रिलेटेड एक से दो सेंटेंस बोलने के वेबसाइट होती क्या है। अब आप इससे रिलेटेड देखेंगे बोल सकते हैं कि इस टाइम दुनिया में मतलब हर ब्रांड जो मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं ना, हर बंदे ने ना अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट बनाई हुई है, तो इंटरनेट के थ्रू हम उन वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। मतलब अब वेबसाइट्स का टाइम चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने आपसे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे होंगे। अगर आप उन 3-4 क्वेश्चन को ही तैयार कर लें कि इनका आंसर कैसे करना है, और उन कुछ चंद एक क्यू कार्ड आप प्रिपेयर कर लें कि उन पे आपने 2 मिनट कैसे बोलना है, उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे। आपको कोई भी क्यू कार्ड दिया जाए, आपको बस इतना पता हो कि आपने आंसर कैसे करना है, तो आप इजीली ना उसका आंसर कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ द वेबसाइट, आपने वेबसाइट की टाइप बतानी है कि वो किस टाइप की वेबसाइट थी। हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू नो अबाउट इट, मतलब आपने उस चीज उसको उस वेबसाइट के बारे में आपने कैसे जाना। अब कुछ लोग होते हैं उनको दोस्तों से किसी वेबसाइट का पता चलता है, कोई लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये वेबसाइट चल रही है, यहाँ पे ये एडवांटेजेस हैं या ये चीज मिल रही है, तो लोग जाके ना उस वेबसाइट को सर्च करते हैं। व्हाई डू यू फाइंड इट यूजफुल, और आपने फिर एट द एंड ये बताना कि आप कैसे समझते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना ये यूजफुल है। अब जैसे वेब डिवेलप करने वाले हैं वो अपने से रिलेटेड इस चीज के बारे में आइडियाज देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आईटी रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो उनको पता होगा कि जो वेबसाइट होती है हम उसको किस तरह से कन्वे में ले जाके इसको बोल सकते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव यूज है। अब जो रिसर्च के स्टूडेंट होंगे वो गूगल स्कॉलर्स का बता सकते हैं कि वेबसाइट है। अब इसमें जस्ट मिस्टेक ये नहीं करनी, अब ये देखें कि वो जो डिफरेंस क्यों पता होना चाहिए। अब वो जो स्पीकर थी ना जो बोल रही थी ना, वो खुद एक डॉक्टर थी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मुझे कोई सुन भी रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, तो आप लोगों ने ये खुद से एक दफा ना क्यू कार्ड को लिख के आप गूगल पे सर्च करें ना, तो इससे रिलेटेड ना आपको डिफरेंट मटेरियल आ जाएंगे। वहां से आप ना उसको रीड आउट करें, रीड आउट करने से ये होगा कि आपको कुछ आइडियाज जनरेट होंगे कि आप कैसे बोल सकते हो, और उन आइडियाज का फायदा आपको राइटिंग में भी होगा और आपको स्पीकिंग में भी होगा। तो जस्ट प्रैक्टिस करते टाइम आप अगर इसको सर्च करते रहें तो ये आपके लिए यूजफुल चीज है, ठीक है। तो अब आपने इस वेबसाइट पे के ऊपर आपने अब कल इसको तैयार करना है क्यू कार्ड को, तो हम लोग ना कल इस पे बात करेंगे, और हम डेली थोड़ा बहुत इसका कोई ना कोई स्पीकिंग का पोर्शन कर लिया करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग को ना टास्क 1 टास्क 2 और लिसनिंग का ना 1 by 1 करते जाएंगे इसके साथ ही। अब यहाँ पे किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछना है, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट है, तो अब हम जो भी करेंगे वो कल करेंगे। मैम आई थिंक हमारे जो पार्ट 1 में आई थिंक जो क्वेश्चन थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट होंगे, डेली रिपीट होंगे, नहीं होंगे। पता है क्यों, मैं आपको क्यू कार्ड दिखाती हूँ, एक सेकंड, रिपीट नहीं होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन बदल बदल के आपसे पूछते हैं तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आपको भी पता होना चाहिए आपने किस तरह से उनको आंसर करना है, लेकिन वो डिफरेंट क्वेश्चन को रिफ्रेज करके पूछेंगे, सेम एज इट इज नहीं पूछे जाते। अच्छा, अब इसमें उसने क्या किया, मे आई सी योर आईडी, वेयर आर स्टडी आर वर्क, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट इज योर फुल नेम, अच्छा यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन ही उसने पूछा हुआ है व्हाट डू यू स्टडी, ठीक है, उसने नेम और मे आई सी यूर आई डी में भी हो सकता है उसने पहले ही पूछ लिया हो, तो बाद में उसने जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है व्हाट डू यू स्टडी, ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, डू यू लाइक द सब्जेक्ट दैट यू स्टडी एंड व्हाई, अगर आप उसको बता भी रहे हो ना, अब उसने पूछा ना डू यू लाइक द सब्जेक्ट दैट यू स्टडी, आप उसको यस नो में जवाब दे दोगे तो यस नो में जवाब नहीं देना, जाहिर सी बात है आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा उससे बहुत अच्छी आपको उसके ऊपर ग्रिप होगी, तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए, और आप अपने सब्जेक्ट को क्यों लाइक करते हैं आपने उसकी वजह बतानी है, ठीक है। डू यू प्लान टू स्पेंड मैनी ईयर्स ओवरसीज, अब ओवरसीज के बारे में पूछ रहे हैं, अब ओवरसीज क्या होता है, हाँ जी अब्रॉड जो होता है, दूसरे मुल्क में, तो अब ये देखें कि अब आउट ऑफ कंट्री भी वो बोल सकता था, अब्रॉड भी बोल सकता था, लेकिन उसने वर्ड यूज किया ओवरसीज, ठीक है, कि आपका प्लान है कि आप बहुत ज्यादा साल ओवरसीज के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, मींस कि आप बाहर रहना चाहते हैं, ठीक है।
अब ये और तरह से उसने शुरू कर दिया, तो सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं आपको और भी दिखाती हूँ। अच्छा, व्हाट इज योर नेम, पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है। डू यू लाइक टू लुक एट द स्काई, मतलब आप आसमान की तरफ देखते हैं, आप आसमान की तरफ देखना पसंद करते हैं, और फिर वो पूछ रहा है वाई। अब आप मुझे बताएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे उन्होंने ना माउंटेन्स के बारे में पूछा हुआ था कि उनको देख के आपको क्या लगता है, आप मिरर में जब अपने आप को देखती हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्यों देखते हैं मिरर में अपने आप को, आपके यूज घर में ये चीज मतलब मिरर यूज होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अब उसने उसने ये पूछा, कैन यू सी द मून्स एंड स्टार एट नाइट, वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, और कैन यू सी द मून एंड स्टार्स एट नाइट, आप रात को जो मून्स और स्टार है आप उनको देख सकते हैं। आप उसने इस तरह से उस क्वेश्चन को पूछे हुए, सेम ये नहीं होगा कि अगर आपका फर्स्ट पोर्शन में सिर्फ ये दो तीन सवाल ही पूछ लिए जाएंगे तो बस दैट्स इट, सवाल आपसे बहुत डिफरेंट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूछा है व्हाट इज योर नेम, उसके बाद उसने पूछा है व्हाट डू यू डू करंटली, व्हाट डू यू डू, अब पहले उसने ये पूछा कि आप वर्क हो कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे उसने पूछ लिया है कि व्हाट डू यू डू करंटली, कि आप अभी क्या कर रहे हो। व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव यू कंप्लीटेड, कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन अब आपने कंप्लीट कर लिया। हाउ ऑफ्टन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू यूजली डू व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली ऑन वीकेंड्स, Which day of weekends do you like the most? Question same, कहीं पे भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है what is your full name? At what time do you wake up as a routine? अब ये देखें कि पीछे उसने पूछ लिया, पूछा है how often do you get up early in the morning? अब same उसी तरह का question उसने और तरह से यहाँ पे, अब उसने यहाँ पे इस तरह से पूछा है कि at what time do you wake up as a routine? कि आपकी रूटीन क्या है, कि आप कौन से टाइम पे सुबह उठते हैं। What time of the day do you like the most? अब मुझे एक बात बताएं, कोई आपसे ये पूछे ना what time of the day do you like the most? आप इसका क्या आंसर करेंगे? चलें उर्दू में ही आंसर करते हैं। मॉर्निंग बोलेंगे। तो मॉर्निंग में इतना नहीं हो सकता क्योंकि आपने उठना होता है, तैयार होना होता है, ऑफिस के लिए जाना, तो आप बोल सकते हैं इवनिंग का टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो आप अपने घर के सहन में बैठ के कॉफी पीना पसंद करते हैं, और डूबते सूरज को देख के आपको मतलब तरह से आंसर दे सकते हैं। ये बहुत इजी इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मैम यहाँ पे जो मोस्टली हम कहते हैं सूटेबल टाइम बनता है ना, वो शाम का ही बनता है। एक तो सनसेट है, दूसरा उसके बाद ये होगा कि एक तो इवनिंग जैसे स्टार्ट होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, हम बाहर देखते हैं, बर्ड्स देख सकते हैं, या स्काई का जो व्यू होता है वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। हाँ जी हाँ, तो हम इस पे बोल सकते हैं, हम लोग सोचते हैं या हम चीजें इमेजिन करते हैं, तो ये बोलना इजी। अच्छा, अब फिर वो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। अच्छा, वेयर डू यू लीव, अब वही क्वेश्चन है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, वेयर डू यू लीव पूछ लिया, ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म, अब फार्म के बारे में उसने पूछा, आपने कभी विजिट किया। व्हाट काइंड ऑफ फार्म्स डू यू लाइक, आप किस तरह के फार्म हाउस है उसको पसंद करते हैं आप। डू यू लाइक, डू यू थिंक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट, के फार्मिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप ये देखें ना कि हम 75% एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, तो इस पे कितना ज्यादा बोला जा सकता है और कितना अच्छा बोला जा सकता है अगर इंसान को थोड़ा बहुत भी आइडियाज हो, तो इससे रिलेटेड तो चीजें हमने वैसे भी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें फिर कोई ऐसा क्वेश्चन करे जो हमने कभी मतलब देखा ही नहीं या किया ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा उसके, वही तो इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। आपको पता है हमें उसका जो लास्ट में जो पूछ रहे वो हमें समझ ही नहीं आया कि ये मतलब क्या चीज है, उस वक्त फिर फंस जाएंगे शायद। अच्छा, मैं बताती हूँ उसके लिए आपने क्या करना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने उसको कहना क्वेश्चन रिपीट करे। अगर क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिया कि आप ये उसको बोल दें एग्जामिनर को कि मुझे समझ नहीं आ रही, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, हो सकता है वो उसमें ना सेंटेंस या उसने जो सिनोनिम्स डिफरेंट यूज किए ना उनको इजी कर दे। अगर वो दूसरी रेपिटेशन के बाद भी आपको बात की समझ में नहीं आती ना, आपने ना थोड़ा सा रिलेट करके ना ये बोल देना, या आपने ना उसको ये बोल देना है कि अब भाई आप ये बोलेंगे मुझे इस चीज का आंसर नहीं आता, तो आप उसको ये तो नहीं ना बोल सकते कि इसको चेंज करें। चेंज वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो उनको आपके लिए पैटर्न मिला है, जो पेज आपके लिए आया है वो उनका वही होगा। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आप इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करने से ये होगा कि ये जो कोई तकरीबन होते हैं 100 टॉपिक ही हैं,
ठीक है मेरे पास वो सारे 100 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, अगर आप उन सारों को प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से पेपर में कोई भी आ सकता है। अगर उनमें से पेपर में कोई भी नहीं आता, कोई डिफिकल्ट आता है जिसपे आपको बोलना बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप उस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, चलो आपको फर्स्ट पार्ट में किसी क्वेश्चन की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, जैसे ओवरसीज की किसी बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या, कि उसने उसने अब्रॉड भी नहीं लिखा, आउट ऑफ कंट्री भी नहीं लिखा। अब क्योंकि एक ही बंदे को इस बात की समझ ही नहीं आ रही वो इसका आंसर क्या करे, आप एक क्वेश्चन के लिए तो ये बोल सकते हो आई डोंट नो सॉरी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, चलो उनमें से एक पोर्शन में आपका एक क्वेश्चन इस वजह से कट ऑफ हो सकता है। अब अगर क्यू कार्ड उसने ओवरसीज पे या कोई ऐसी बात पूछ ली कि जिसके बारे में आपको पता भी ना हो और आप सीरियस उसको गलत बोलाए और इंग्लिश भी गलत बोलाए, तो फिर क्या होगा? मेन पॉइंट तो ये सोचने वाला है ना, क्यू कार्ड आप अपना चेंज नहीं करा सकते। तो प्रैक्टिस से चीजें ठीक हो सकती हैं, इतना मुश्किल भी नहीं पूछते। जितने भी क्यू कार्ड्स अब तक आइट्स में यूज हुए हुए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो सारों को आप एक दफा पढ़ सकती हैं। और एक दफा पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले आपको ये चाहिए आप उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको दूसरा काम ये करना चाहिए, आप जिस जो भी आपको मिलता है ना आप उसके साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। हो सकता है पहली दफा आपसे आपको ये हो कि आपको नाम भी ना बोला जाए, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो फिर तो नहीं होगा। जब आप ये सोचेंगे कि हो जाएगा, मैं गलत बोलूंगा पर मैं बोलूंगा, मतलब मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो इजीली हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो अब हमारा टाइम भी अप हो गया है और हम लोग क्या करते हैं, आप फिर कल मिलेंगे। मैम कैन वी प्लीज रीटेक द स्पीक टेस्ट इन सेशन, मतलब रीटेक द स्पीक टेस्ट इन सेशन। सॉरी मैम, वो स्पीकिंग लिखना था मैंने, कि स्पीकिंग टेस्ट जो अभी हमने लिया है ना आपने इंटरव्यू वाला, तो वो मैंने नहीं दिया और दूसरे के स्टूडेंट ने दिया, कल हम ये अगर पहले आप ले लें एक दफा ना तब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि कल टाइम से पहले, मतलब आप यहाँ पे अवेलेबल हो तो हम लिसनिंग स्टार्ट करने से पहले ना कोई नहीं आपसे कर लेंगे स्पीकिंग, और उसके बाद हम लोग लिसनिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं तो फिर अगर हम एंड में करेंगे तो हम एंड में फर्स्ट पोर्शन ही कर लेंगे किसी और क्यू कार्ड का, तो बाकी लोगों को आइडिया भी हो जाएगा और आप बोल भी लेंगे। Excellent. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.